गाइस जैसे कि मैं माफिया की वीडियो एडिट कर रहा था अभी, और अभी जब से मैंने वो वीडियो डाली ना माफिया क्यों बेचा, जब से भाई काफी लोग आ चुके हैं, छोटे छोटे बच्चे आ चुके हैं कि माफिया भाई क्यों बेच रहे हो भाई। मैं माफिया को बेच नहीं रहे, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो अगर यकीन ना आए बिलीव ना आए। अभी छोटे बच्चे आए थे, आप आई थिंक वो जा चुके हैं, तो मैं उनसे मिल नहीं पाया, पर उनको देखो मम्मी से मिले थे वो, मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट, पूछता हूँ मम्मी जिससे। देखो अरे माफिया से जो आए थे बच्चे छोटे छोटे, अभी क्या कह रहे थे वो? कुकू कह रहे जो करे अभी सकल पहचान लिए, फोटो देख रहे हैं ना वीडियो में, लाया वीडियो फोटो में नहीं। अब भी आ रही है आंटी जी, माफिया को मत बेचना, छोटे छोटे बच्चे आए थे और वो कह रहे थे कि माफिया को मत बेचो, माफिया बहुत अच्छा है, बहुत क्यूट लगता है, बहुत सुंदर लगता है। और फिर मैंने कहा बेटे मैं नहीं देखूंगी, मुझे बहुत प्यारा लगता है, मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे। नहीं तो सो रहा है देखो आराम से, हम उसको बहुत चाहते हैं, उसको हम बहुत प्यार करते हैं आंटी, इसको माफिया को मत बेचना, उसकी हमको उसका वो देखते हैं ना वीडियो, बहुत प्यारा लगता है उसकी, उसकी हरकतें भी अच्छी अच्छी लगती हैं हमें, बहुत अच्छा लगता है, बहुत हेल्थ भी है वो, बहुत हेल्थी भी है, इतना शेर की तरह। काफी लोग आए थे मेरे से ये बात कह रहे थे, कहाँ माफिया को मत बेचना आंटी जी, आप बस हमें बहुत प्यारा लगता है, क्यूट लगता है, जी क्यूट है, अच्छी सुंदर लगती है, शेर की तरह लगता है, बहुत आराम से सो रहा भी है, दूध पी के नाश्ता करके सो गया है। दरवाजे पर बहुत सारे बच्चे आए थे, बहुत सारे बच्चे, तो बच्चा कल आया था और मेरे पर काफी मतलब गुस्सा हो रहा था कि कर था कि आप माफी क्यों बेच रहे हो, जब मैंने समझाया कि मैं बेच नहीं रहा हूँ, मैंने माफी को दिखाया, जब जाके वो शांत हुआ था भाई, बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था मेरे पे, वो यहाँ पे खड़ा हुआ था। ओ भाई ये कौन आ गया भाई, देखो भाई माफी आओ या बाहर का आओ, मुझे सारे डॉग बहुत पसंद है भाई, एनिमल लवर हुआ एक तरह से आप कह सकते हो। ये देखो अब इसका भी सुबह का टाइम हो गया खाने पीने का, ये भी आ गई है, परंतु यार माफी पसंद नहीं करता कि वो अपना खाने के साथ शेयर करे, देखो वो देख रहा है इस टाइम। क्या हो गया भाई, ओह क्या हो गया भाई, माफ क्या, ये देखो वो आ गई ना बाहर, तो ये आ गया यहाँ पर, ये पसंद नहीं करता उसे, पता नहीं क्यों, स्लिप हो जाओ, अब उसका भी टाइम हो गया ना खाने का, वही नहीं है ये रहा भाई आपका माफिया, हम आपके माफ कहीं नहीं बिक रहे भाई, कहीं नहीं बिक रहे, वो सिर्फ प्रैंक था, और आप यार सीरियस मत हो, ये बिल्कुल चिंता मत करें, माफी कहीं नहीं बिक रहे, माफिया हमारे फैमिली मेंबर की तरह है और हमारे साथ ही रहेगा लास्ट टाइम तक। और ये देखो भाई माफिया, माफिया सुनो मेरी, हाँ हम आपको बेच दें, सेल कर दें, क्योंकि अब तो बहुत बढ़िया बढ़िया डील आ रही है भाई ऑनलाइन। आपको बेच दें भाई माफिया, हाँ भाई नहीं बेच सकते भाई, हमारी फैमिली मेंबर है भाई ये एक तरह से, तो यार प्लीज़ यार आप चिंता मत करिए, घर पे आइए, मतलब घर पे मत आइए, परेशान मत होइए, आपको भी मुझे पता परेशानी हो रही होगी, और खास कर ना जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, 13 साल के हैं जो, 13, 12 और 15 के हैं जो, वो ज़्यादातर घर पे आ रहे हैं यार, कल भी आए थे, उसको 2 दिन बाद में बाहर गया था, जब भी मुझे मिले थे जब किसी काम से गया था, तो यार काफ़ी जो पूछ रहे हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ माफिया को कहीं नहीं बिक रहा, दोबारा से वही बात आपको बता रहा हूँ, सिर्फ वो प्रैंक था भाई वो लियोन। और ये देखो इसकी सबसे फेवरेट प्लेस यही है, यहाँ आके बैठता है ये देखो आप बैठ गया, देखो अब जब तक ये मम्मी जी बुलाएंगे ना, जब तक तो नीचे जाएगा ही नहीं है, मेरे कहने पे बिल्कुल नहीं जाएगा, देखो इसको सुनना है, और जैसे मम्मी जी कहते हैं ना काकू, उनको देखो सबों के अलग अलग नाम है, कोई ओस्कर बुलाता है, और जैसे हम लोग जो हम हैं हम माफी बुलाते हैं, और मम्मी कुछ अलग ही बुलाती है, वो बुलाते काकू भाई, ये जैसा नाम लगता है मेरे को, तो काफ़ी फनी और क्यूट सा काकू, जैसे बोले ना काकू आवाज़ मारेगी और तुरंत नीचे नीचे भागा भागा जाएगा, आप अभी देखना अभी बैठा हुआ अभी वो आवाज़ मारने वाली है, और क्योंकि उसका सुबह उसका टाइम हो रहा भाई रूटीन का है भाई माफिया, देखो मेरे तो सुनता ही नहीं आ रही है, और जैसे वो आवाज़ मारे तो नीचे भागेगा, ये देखो देखो जैसे आप सब करते ना, देखो जैसे आवाज़ आएगी तुरंत भाग जाएगा नीचे, देखो ये रहा अब जैसे वो मम्मी जी बुला रही है इसे, और तुरंत नीचे भागा भागा जाएगा, देखो ये क्या हुआ, रुक क्यों गए भाई, देखो अब बुलाएंगे बुलाएंगे, अब गया भागा भागा, देखो भाई उनका पक्का चिल्ला है, उनका तो बहुत पक्का वाला चिल्ला है, हमारा तो सुनता ही नहीं है ये, अब उन्हें पता है खाना मिलने वाला है माफियों को सुबह का, अब मिलेगा ब्रेकफास्ट। देखो यार सबसे मैं आपको बता दूँ एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैंने इसे जब ये 6 महीने का, जब मैं जब से इसे दूध देता आ रहा हूँ मिल्क देता आ रहा हूँ, और इसे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं हुई मिल्क से, काफ़ी लोग कहते हैं कि डॉग के लिए हेल्थी नहीं है, परंतु मुझे तो कोई अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई यार इन चीज़ में, और देखो सुबह से मैं दूध ही देता हूँ और काफ़ी टाइम से देता आ रहा हूँ, अब ये एक 1 साल 7 महीने का पूरा हो चुका है माफिया,
ये देखो अभी बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है, मम्मी जी दूध कर रही हैं, जैसे हट जाएंगी ना तुरंत पीना शुरू कर देगा। तो इसके भी पीने के भी नखड़े हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी लोग कहते हैं ना भाई कि डॉग पालना आसान है, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। जैसे कि मम्मी जी दूध कर देंगी, दूध पिएगा नहीं जब तक कि हम इसे अपने हाथ से नहीं पियेंगे। वो कैसे पियाते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ रख दो उसका दूध रख दो यहीं पे, ये देखो। हाँ पर मैं एक चीज़ है, मैं काफ़ी कम मात्रा में दूध देते हैं इसे, हम ज़्यादा मात्रा में दूध नहीं देते भाई, इसे नॉर्मली देते हैं। वही देखो अब पिएगा नहीं, जैसे मैं आपसे कह रहा था ना पिएगा नहीं भाई। बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है इनकी केयर अगर आप पालो तो ने, और आप बिलीव नहीं करोगे। देखो मेरे को बताने का कोई शौक नहीं, ना मैं बताना इस चीज़ को चाहता हूँ, परंतु काफ़ी लोग यार काफ़ी लोग कई तरह की बातें करते हैं, पर उन्हें एक चीज़ में क्लियर करता हूँ। अगर आप डॉग पालते हो, माफी सब बना चाहता हूँ, तो आपको अच्छी परवरिश करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ आपको काफ़ी अच्छा खासा मोटा पैसा लगाना पड़ेगा जब जाके माफी से बनेगा डॉग आपका। और ये देखो बैठ गए बाबूजी। अब मैं जैसे कि आपसे बात करता ना कि ये पीता नहीं है जब तक कि इसे अपने हाथ से पिया ना जाए, वो कैसे पिलाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इसके पास मैं ले जाऊँगा उसका बाउल और रख दूंगा, और देखो सर पहले अपने हाथ से चटाऊँगा दूध को। हाँ देखो देख रहा है, हाथ से चटेगा, दिखता कि हाँ कुछ मिला हुआ तो नहीं है। बहुत ज़्यादा कितने शकील गया हमारा सकड़ने वाला। मजाक कर रहा हूँ भाई। देखो पूरा हाथ चाट लेगा, टेस्ट करेगा, फिर उसके बाद पिएगा। अब मैं दूर उठ जाऊंगा, अब पिएगा ये मिल्क को। क्या चक्कर है अभी भी नहीं पी रहा है, तो अभी मेरी तरफ ही देख रहा है, लगता है इसे दोबारा पियाना पड़ेगा। हाँ यार इस तरीके से करना पड़ता है यार मुझे, वैसे डेली नहीं करता मैं, कभी कभार करता हूँ जब पीता नहीं ना, जब भी मैं करता हूँ ऐसी इसे। अब पी लेगा। हाँ देखा भाई, बहुत ज़्यादा इसके वो हैं नखड़े, सही बताऊँ आपको। और थैंक यू सो मच माफिया को इतना सारा प्यार देने के लिए, और आई होप इसी तरह आप प्यार करते रहोगे माफिया को और हमें भी भाई। और यार जैसे कि मैं बात करता हूँ मम्मी जी का रिएक्शन का, तो किसी कारण की वजह से वो रिएक्शन नहीं डाल पाया, और इसी चक्कर में मेरी वीडियो काफ़ी लेट भी हो रही थी। क्यों रिएक्शन में यार सोचा डालू ही नहीं डालू यार, क्योंकि यार कुछ बात होती है यार, कुछ मतलब कि मैं किसी काफ़ी बड़ा कारण था जिसकी वजह से मैं रिएक्शन नहीं डाल पाया, इसलिए दिल से सॉरी यार, मैं आपको एकदम रियली सॉरी यार वो चीज़ के लिए। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह और माफी और मैं नई नई वीडियो लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। सो गाइस सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को जरूर लाइक करना गाइस।